हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी स्नेहा। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक रायते की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी होने वाली है और ये आपको पसंद भी बहुत आएगा। आप इसे व्रत में भी बना सकते हैं। आज हम लोग बनाने वाले हैं मखाने का रायता जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए फटाफट से इसके इन्ग्रीडियंट्स देखते हैं और मखाने का रायता बनाना स्टार्ट करते हैं। रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है मखाना जो कि हमने 2 कप यूज़ किया है। इसे हमें रोस्ट करना है। दही हमने लिया है 2 कप। ये घर पे जमाई हुई ताज़ी दही है, खट्टी बिल्कुल भी नहीं है। 1 टीस्पून हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 10 से 12 करी पत्ते, काला नमक हमने लिया है यहाँ पर 1/2 टीस्पून, लेकिन इसे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून लिया है देसी घी, 1 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और नमक हम लेंगे सादा टेस्ट के अनुसार। आप अगर व्रत के लिए से बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक का यूज़ करें। सबसे पहले एक कढ़ाई में डालेंगे हम देसी घी और अब इसे अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। जब घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे मखाना। अब मखाना को हमें इसी तरह से चलाते हुए थोड़ी देर तक भून लेना है जब तक कि अच्छे से क्रंची नहीं हो जाता। ये अच्छे से हो गया है कि नहीं इसे देखने के लिए आप या तो इसे टेस्ट कर सकते हैं या तो अगर आप इसे व्रत के लिए बना रहे तो आप इसे हाथ से तोड़ के देखेंगे तो भी आसानी से टूट जाता है। तो बस ये हल्का सा क्रंची हो जाए तो अब बस इसे और ज़्यादा नहीं भूनना है, ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए मखाना हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। तड़के के लिए हम पैन में डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पर 1.5 टीस्पून हमने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से गर्म हो जाने पर इसमें ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा हम क्रैकल कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई, साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे करी पत्ते। अब इसे अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। ऑयल मैंने यहाँ पर बहुत कम यूज़ किया है क्योंकि रायते में बहुत ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ तड़के के फ्लेवर के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही ऑयल यूज़ करें। और ये तड़का हमारा तैयार है, इसे निकाल लेंगे। तो अब हम ये जो हमने दही ली है इसे बिल्कुल स्मूथ करना है फेंटते हुए, तो एक विस्क के हेल्प से आप इसे करेंगे तो बहुत आसानी से ये सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसे छन्नी के हेल्प से भी छान के बहुत स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से भी आसानी से हो जाता है तो मैंने इसी तरह से किया है। ये देखिए अब इसमें डालेंगे हम नमक। अगर आप व्रत के लिए इसे बना रहे हैं तो आप इसमें सिर्फ सेंधा नमक डालें और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, इससे टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। व्रत के लिए बनाते समय इसमें काला नमक बिल्कुल नहीं डालिएगा, सिर्फ सेंधा नमक डालिएगा। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे अपना मखाना जो हमने रोस्ट करके रखे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दही के साथ। जो हमने तड़का बना कर रखा था उसे डाल देंगे। देखिए हमने तड़के को मिक्स कर दिया और थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ऑयल ऊपर नहीं आया है जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑयल रायते के ऊपर बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इसे हम एक दूसरे सर्विंग बोल में निकाल देंगे। ये हमने निकाल लिया है, अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। ऊपर से हम डालेंगे इसमें भुना हुआ जीरे का पाउडर, बहुत अच्छी अरोमा होती है इसकी। अब डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और बस इन्हीं 2 इंग्रेडिएंट्स से ये देखने में बहुत ही अच्छा लगने लगता है। अब एक कड़ी पत्ता को इस तरह से हम जो पत्तियां पूरी रहती हैं उसे इस तरह से लगा देंगे तो इसका डेकोरेशन पूरा हो गया है और आप इसे सर्व कर सकते हैं। व्रत में आप इसे बनाइए, बहुत अच्छे से आप इसे खाएंगे और आपको एनर्जी भी देगा ये, तो आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा।
ये हमारा मखाने का रायता बिल्कुल तैयार है। अगर आप इसे बनाते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, तो बना के ज़रूर ट्राई करिए। आपको कैसा लगता है ये मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपको रायते की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।